चार धाम यात्रा खोलने की मांग। खबर मसूरी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार से चारधाम यात्रा को अविलंब खोलने की मांग की है, जिससे लोगों की रोजी रोटी का जो संकट उत्पन्न हो गया है उससे राहत मिल सके, जो लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको भी राहत मिल सके। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्ष से चारधाम यात्रा कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ी है। अब जब प्रदेश में कोविड का आंकड़ा घट गया है तो सरकार को पर्यटन व्यवसायों की पीड़ा को समझना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की तरह पहल की जानी चाहिए। उठाए गए व्यापारी हित में तो उसका खमियाजा हाल की राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ में चार धाम यात्रा बंद होने से जिस प्रकार से नुकसान एक छोटे से बड़े व्यापारी को हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, रिक्शा चालक को हो रहा है, घोड़ा संचालक को हो रहा है, और जो हमारे पुरोहित जो वहाँ बैठे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लेकर अपनी प्रसाद बांटने की दुकानें लेकर बैठे हैं, सबको इतना इसका नुकसान हो रहा है कि अगर इन सबको जल्दी सुधारा नहीं गया तो उसका खमियाजा राज्य सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल इंक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बने रहिए।